चलो भाई, आज हमारे पास क्या कहानी है? आज हमने पढ़ना है एक्सप्लेनेशन, ठीक है जी? एक्सप्लेनेशन बाई आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने देनी है इसकी, किसकी? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन। आइंस्टाइन भाई ने ये एक्सप्लेनेशन दी 1905 में, जब स्टिल ये क्या था, एक क्लर्क था। मतलब अभी ये क्लर्क ही था, मैंने बताया था ना इसकी हिस्ट्री की, ये क्लर्क था बाद में, फिर ये इसे तब कोई जानता भी नहीं था। हाँ, 1905 में ये क्लर्क था, लेकिन इसने एक्सप्लेनेशन दी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक पेपर पब्लिश करके। इसने एक पेपर पब्लिश किया और उसके अंदर इसने अपने से 5 साल पहले का कंसेप्ट यूज किया, मैक्स प्लैंक्स का। वो क्या कंसेप्ट था कि मैक्स प्लैंक्स ने एक नई चीज बनाई थी और उसको क्या कहा था? फोटोन। मतलब कि उसने कहा था कि भाई आपकी लाइट जो है वो किस शक्ल में होती है। नाम इसने दिया था, मतलब कि उसकी टर्म को यूज किया था, नाम इसने ही दिया था फोटोन का, लेकिन उसकी टर्म को यूज किया था। वो टर्म उसने रखी थी कि भाई लाइट क्या है, एक स्मॉल पैकेट में। यानी कि आप ऐसा समझ लो कि इसको आप ले लो, उसका कंसेप्ट यूज किया कौन सा? क्वांटाइजेशन वाला, एनर्जी क्वांटाइजेशन वाला यूज किया। और उसको यूज करके आइंस्टाइन ने अपनी क्या दी? एक्सप्लेनेशन दी। किसकी? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की। उसने कहा अगर हम वेव थ्योरी को यूज करें, जो कि पीछे हमने देखी, उस पर पूरा नहीं उतरा जा रहा था। अब हमारे पास ना ड्रॉबैक कौन से थे? एक तो हम, मैं 3 पॉइंट कल वाले लिखूंगा। पहला पॉइंट क्या था कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? एक तो मेटल पर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल पर, प्लस डिपेंड करती है कि आपने किस तरह की लाइट की क्या फेंकी है, यानी कि किस फ्रीक्वेंसी की क्या फेंकी है, लाइट फेंकी है। दूसरा पॉइंट क्या था कि एक हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी से नीचे, जिसको हमने नाम दिया था एफ नॉट, और इसका नाम क्या रखा था? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशहोल्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसके बगैर, इससे नीचे लेवल की आप एक स्पेसिफिक मेटल पर कोई भी लाइट की जितनी मर्जी शिद्दत फेंक लो, इससे कम फ्रीक्वेंसी पर, चाहे 250 साल फेंक लो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, वो कैद रहेगा। तीसरा इसने कहा था कि बी इंटेंसिटी डायरेक्टली टू करंट। इधर मैं करंट के लिए आई लिखूंगा तो वो समझ नहीं आएगा इधर ऐसे, ठीक है? कि इंटेंसिटी डायरेक्टली टू करंट। अब ये 3 चीजें इसने कही थी। एक पॉइंट मैंने आपको एक्स्ट्रा से बताया था कि वो था डिले फैक्टर। वो बुक ने तो नहीं लिखा हुआ हमारी ने, लेकिन डिले फैक्टर का मैंने आपको बताया था कि डिले फैक्टर क्या था, कि इसके मुताबिक कि लाइट कभी ना कभी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, निकाल लेगी। मतलब अगर डिम लाइट है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की, तो उसे क्या चाहिए? थोड़ा सा वक्त चाहिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन करवाने में, देन फिर वो इलेक्ट्रॉन को क्या देगी? ताकत देगी और इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। लेकिन इसमें क्या था कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट के मुताबिक क्या हुआ? नो डिले फैक्टर, यानी कि डिले फैक्टर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप उसको उस लेवल की फ्रिक्वेंसी दे दोगे तो वो यकदम निकलेगा। ये नहीं होगा कि वो घंटा का चाय शाय पी के सुकून से फिर निकलेगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन करनी थी। अब आइंस्टाइन ने क्या किया? आइंस्टाइन ने यूज की क्वांटाइजेशन फैक्टर, यानी कि आइंस्टाइन ने लाइट को यूज किया एज अ पार्टिकल। इसने कहा कि सपोज कर लो कि जैसे ये एक अंडा पड़ा है, यह आपकी बिलियर्ड की बाल है, ये एक बिलियर्ड की बाल इधर पड़ी है, ये बिलियर्ड की बाल आकर जैसे इस बाल को टकराएगी ना, तो ये कोलिजन करते हुए अपनी एनर्जी प्लस मोमेंटम दूसरी बाल को क्या करेगी? ट्रांसफर करेगी, ठीक है? ये सिंपल सा कंसेप्ट जो यूज किया। अगर ये हो वेव, तो अगर ये वेव फ्रंट आपने पढ़े होंगे चैप्टर 9 में, अगर ये वेव फ्रंट की शक्ल में आए, यानी कि ये बाल ना आए बल्कि क्या आए, एक वेव आए, तो ये वेव कंटिन्यूसली उसके ऊपर पड़ती रहेगी, उसकी एनर्जी को बढ़ाएगी, फिर बॉन्ड टूटेंगे और फिर वो अपने उस जंगल से, उसको वो जो गुच्छा सा उसका इलेक्ट्रॉन्स का या वो उस एटम का बना हुआ है उसमें से निकलेगा और देन फिर वो आगे चलेगा। ये थी क्लासिकल थ्योरी। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं आइंस्टाइन ने इसे कैसे यूज किया। आइंस्टाइन ने कहा कि अगर एक स्पेसिफिक मेटल लो, स्पेसिफिक मेटल मीन कोई भी मेटल ले लो, उसने अब कौन सी लेनी है इधर, क्योंकि हर मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। वैसे आपको किसी को याद है कि एक ऐसी मेटल हमने पीछे भी पड़ी हुई है, याद करो, ऐसी एक मेटल हमने पीछे पड़ी है एक टॉपिक में, ये इसके जैसे ही, ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टाइप
मेटल जो लाइट के साथ ही अपने आप को क्या बना लेती है, कंडक्टर। ये पहले चैप्टर में वो क्या नाम है, कोई ड्राम था यार वो वाला। हाँ ड्राम था, साथ ढोल भी था, सिलीनियम। हाँ सिलीनियम ठीक है, बोला क्यों नहीं बात, जैसे तो सबके जेन में था। हाँ 250 माफ तेरा सीधा। अच्छा अब इसने कहा कि आपके पास अगर ये कोई भी, हमारे पास एक मेटल सरफेस पड़ी है और इसके ऊपर आप फेंकते हो किसी भी लाइट की फ्रिक्वेंसी एफ से, तो हर मेटल का इलेक्ट्रॉन या हर मेटल का एक मिनिमम एनर्जी का लेवल है, ठीक है। उस मिनिमम एनर्जी लेवल को इसने नाम दिया उसका वर्क फंक्शन फाइव। उसे किसे जाहिर किया उसने, फाइव से। इसने कहा ये मिनिमम एनर्जी है स्पेसिफिक मेटल की जो उसे चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी सरफेस से निकालने के लिए। अब ये जो मिनिमम वर्क फंक्शन है ये किस पे डिपेंड करता है, ये आता है आपके पास फाइव इज इक्वल टू एनर्जी की शक्ल में, और ये मिनिमम एनर्जी है। वर्क क्या, तो वर्क मीन एनर्जी। और अगर हम प्लैंक्स के मुताबिक देखें तो फार्मूला प्लैंक्स हमने बताया था इज इक्वल टू एच एफ, तो इसने चूंकि इस ई को जाहिर किया किसके साथ, फाई से, तो इसके मुताबिक ई इंटू एच एफ। लेकिन इसने कहा कि ये जो एनर्जी है वो अगर देखा जाए तो डायरेक्टली किसके है, एफ के। तो वो मिनिमम एनर्जी जो है उसका नाम उधर हमने क्या रखा था, थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी। तो ये आपके पास क्या है, ये वो थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी। अगर आप इस फ्रिक्वेंसी पर आए और आपने उसको एनर्जी दी इस फ्रिक्वेंसी पर, तो जैसे ही वो वर्क करेगा वो क्या करेगा, अपनी सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा देगा। दरवाजा खोल गई, ठीक है। वो अपनी सरफेस से क्या करेगा, उस मिनिमम एनर्जी को लेते हुए अपनी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को, कौन है, ठीक है, ओ डंडा तो ना ला, ओ भाई जा इधर देख, यार अजीब बंद है। अच्छा फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच एफ नोट। अब F नोट क्या इंडिकेट कर रहा है, आपकी मिनिमम एनर्जी का लेवल, और वो मिनिमम एनर्जी के लेवल किसने नाम क्या दिया, वर्क फंक्शन। क्या हर मेटल का एक स्पेसिफिक क्या होता है, वर्क फंक्शन। जैसे ही वो वर्क फंक्शन आप उसे दोगे तो वो उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन उस फोरी उस एनर्जी को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा, और फोरी क्या करेगा, फोरी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर गया, कौन फोटोन, निकला कौन इलेक्ट्रॉन। ऐसे समझ लो कि एक बिलियर्ड बॉल आई दूसरी से टकराई, पहली रुक गई और दूसरी चलने लगी, क्यों, ये हुआ इलास्टिक कोलिजन चैप्टर नंबर 3 की तरह फर्स्ट ईयर में, याद है कि एक बाल रुकी हुई है और दूसरी आकर लगेगी, तो जो रुकी हुई थी वो, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर अब जो बाल आ रही थी वो रुक जाएगी और दूसरी चलने लग जाएगी, लेकिन यहां पर क्या है, फोटोन है, तो इसका मतलब है कि इसके पास एनर्जी है। तो ये रुका हुआ फोटोन, अभी हमने पीछे बात की कि एक रुका हुआ फोटोन एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। तो इधर वो जो नई बाल आई है वो रुकी नहीं होगी, वो बल्कि क्या हो जाएगी, डिसअपियर, और उसकी जगह पर कौन चलना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन, अगर लाइट बिहेव करती है एज अ इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो बिहेव करेगी एज अ पार्टिकल। अच्छा ये एच एफ होगा। उसने कहा जो बाकी एनर्जी आपने दी, तो टोटल एनर्जी दी आपने इज इक्वल टू एच एफ, यानी कि जो यहां से आ रही है एनर्जी वो क्या है, एच एफ। चाहिए कितनी, एच एफ नॉट। तो जो एफ नॉट है ये वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है, इससे नीचे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। अब कैसे, वो ग्राफ के मुताबिक वो कहता है कि यहां पे अगर आपका एफ नॉट एग्जिस्ट कर रहा है तो यहां पर जाकर उसकी सरफेस इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि करंट बनेगा इस जगह पर। अगर हम इसको देखें इतने हिस्से को, तो इधर करंट इतने हिस्से में ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो कहता है इस मिनिमम फ्रिक्वेंसी से पीछे ग्राफ एग्जिस्ट इसलिए नहीं कर रहा कि आप उसको कम से कम जो एनर्जी चाहिए निकलने के लिए, धक्का मारने के लिए जो फोर्स चाहिए वो आप प्रोवाइड नहीं कर रहे। अब आप कहते हो थोड़ी थोड़ी करके भी प्रोवाइड करोगे तो थोड़ी थोड़ी करके वो अब्सॉर्ब करेगा और पूरे अपने सारे साथियों में तकसीम करेगा। तो सारे साथियों में जब तकसीम हो जाएगी तो उसकी तो ना बनी उतनी, उसकी बनने के लिए कंडीशन क्या है कि आप डायरेक्ट जब उसे दोगे तो वो आप लाइट को डील करोगे एज अ पार्टिकल। ये आपकी मिनिमम एफ आ गई। तो उसने कहा सर जो बाकी एनर्जी बची, यानी कि आपने दी लेट्स सपोज 10, उसको चाहिए थी 5, तो बाकी किधर गई, बाकी नहीं नहीं नहीं, एक पार्टिकल कितनों से टक्कर मारेगा। उसने कहा अब इस साइड को 10 करने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा,
उसने कहा सर ये तो आ गया आपका वर्क फंक्शन, यानी कि ये मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को अपनी सरफेस से निकल। जो आगे की पांच है ना वो इलेक्ट्रॉन की असल में क्या बनेगी? काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाली जो बाकी बची वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो यानी कि अगर इस इक्वेशन को फुल फॉर्म में लिखें तो हम कहेंगे जो टोटल एनर्जी दी वो बराबर होगी वर्क फंक्शन, यानी कि वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। या अगर हम इसे टर्म्स की सेंस में लिखे तो आ जाएगा एचएफ, जो एनर्जी आ रही है या जो वेवलेंथ या जिस वेवलेंथ का फोटोन क्वांटाइज फॉर्म में आ रहा है, इज इक्वल टू एच इनटू प्लस। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? ये बनेगा, ये इधर प्लस से उधर जाकर माइनस। तो इसका मतलब है कि यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट को रखना जरूरी है। मिलिगन रॉबर्ट एक बंदा था इसके दौर में, आइंस्टाइन के दौर में, उस बंदे ने बड़ी कोशिश की कि जनाब साहब को क्या करें, रॉन्ग प्रूफ करें। लेकिन अल्टीमेटली 11 साल बाद आखिरकार उसी के एक्सपेरिमेंट से, ये एक थ्योरी थी ना, एक्सपेरिमेंट तो हो चुका था, आइंस्टाइन ने तो थ्योरी दी, अब इस थ्योरी को प्रूफ करना था कि ये थ्योरी सही है या, वो बंदा लगा रहा कितने साल, 10 साल लगा रहा। तो 1905 से 10 साल, 1915 तक वो बंदा खपता रहा कि ये थ्योरी को क्या किया जाए, रॉन्ग किया जाए। लेकिन हुआ क्या, 11वें साल के बाद जब उसने इतने एक्सपेरिमेंट किए तो अल्टीमेटली थ्योरी रॉन्ग प्रूव होने के बजाय एक्सपेरिमेंटली क्या हो गई, प्रूव हो गई। और जब एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गई तो 1918 में जाकर लॉ क्यों बन गया, 1918 में जाकर आइंस्टाइन को क्या मिला, नोबेल प्राइज। और 1923 तक देखो, 1900 में कंसेप्ट डेवलप हुआ है किसका, क्वांटाइजेशन का, और जाके 1920-21 तक वो कंसेप्ट अभी तक चल रहा था, ठीक है। 1921 में से नोबेल प्राइज मिला था, और 1921 तक जाकर वो वेरीफाई होता रहा, और एंड में जाकर ये बात प्रूव होगी कि लाइट बिहेव कर सकती है एज अ पार्टिकल, यानी कि 1923-22 तक की रेंज में। तो नोबेल प्राइज पैसे भी तो मिलते हैं, नोबेल प्राइज पैसे ही होते हैं और क्या होते हैं, एक अवार्ड होता था। अब हम जो ट्रॉफी लेने जाते हैं, ट्रॉफी लेने जाते हैं क्या होता है उसके साथ, वो पैसों का चेक नहीं होता, तो वो भी तो होता है, ठीक है। अब K इज इक्वल टू क्या बना, H इंटू F माइनस F नॉट। उसने कहा कि ये इक्वेशन प्रॉपर होल्ड तब करेगी अगर, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो उसकी बननी है, मैक्सिमम मीन कि जो हर हद तक बन सकती है वो वाली एनर्जी, इसको मैक्स लिख लेते हैं, ये सिर्फ तब बनेगी अगर आप उन इलेक्ट्रॉन्स की बात करो जो कहां पर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, बिल्कुल सरफेस के ऊपर। उसने कहा जो नीचे वालों के लिए नहीं एग्जिस्ट करेगी, उसने कहा वहां पर एक रोला है, वो रोला पता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन आया, लेट्स सपोज एक इधर था इलेक्ट्रॉन, इसे दे दी तो इसका वर्क फंक्शन जो इधर है उधर, इधर भी क्या रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि अभी बात की कि एक स्पेसिफिक मेटल के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए जिसका नाम उसने क्या रखा हुआ है, वर्क फंक्शन। वो इधर भी क्या रहेगा, वही रहेगा, बट फर्क क्या पड़ेगा कि अगर उसने दी थी 10 तो 5 तो जाया होगी उसको अपने जुंगल से, उसे चुंगल से छुड़ाने के लिए, बाकी जो बची कितनी बची, 5। हमने काइनेटिक एनर्जी तो यहां से कैलकुलेट करनी है, जो नोड की तरफ जाते हुए करनी है कैलकुलेट, ये कैथोड है ना, तो इधर ये वाले हिस्से की, तो यहां से यहां तक आते हुए क्या इसमें एटम्स ही नहीं पड़े होंगे, तो एटम से क्या होंगे, तो उसकी 5 की एनर्जी का कुछ हिस्सा क्या होना शुरू हो जाएगा, जाया, तो बाकी ऊपर मिलेगी वो क्या होगी, कम। लेकिन वो कहता है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो इक्वेशन क्या होगी, यही यूज होगी अगर वो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां पर हम डील कर रहे होंगे, सरफेस वाले, अगर नीचे होंगे तो उनके लिए थोड़ी सी एनर्जी में क्या होंगे, चेंजेस, ऑल दो मैथमेटिक्स सारी क्या रहेगी, यही रहेगी। तो आइंस्टाइन की ये सारी थ्योरी यहां पर हुई, और रॉबर्ट मिल्कन की वजह से आइंस्टाइन को 1921 में क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। आगे हमने एक छोटा, उसने वो गलत प्रूफ करने के लिए किया था ना एक्सपेरिमेंट, लेकिन एक्सपेरिमेंट हुआ, प्रूव ये हो गया, ऐसे बड़े बंदे हैं भाई। इसी तरह एक और बंदा भी था न्यूटन के दौर में, उसका नाम था बॉयल, रॉबर्ट बॉयल था आई थिंक, उसने भी ऐसे बड़ी ट्राइंगें लगाई थी न्यूटन को प्रूफ, गलत प्रूफ करने के लिए, लेकिन न्यूटन सही हो गया। वो कैसे क्या सही साबित कर रहे थे, कहने को तो सब लोग कहते हैं ऐसे, तो अब कितनी एग्जाम्पल्स है, बंदा कौन सी एग्जाम्पल ले, ऐसे तो हर बंदा कहता, मोटा भी कहता मैं घर जाके पढ़ता हूँ, तो कहने को कुछ नहीं होता, जो उस वक्त किया जाता है ना उससे पता लगता है। अब देखो ना, ये मुझे नहीं पता उनका, ठीक है, मुझे जो पता है ना वो मोटे का पता है। अच्छा, आगे हमारे पास है जी एक छोटा सा फोटो सेल।
फोटो फोटो सेल देखना हमने हमने फोटो सेल इधर देखना, वहां पर हमने पढ़ा था फोटो डायोड। डायोड और सेल में थोड़ा सा फर्क है, जो फोटो डायोड था ना हमारे पास उसके अंदर क्या था कि आपके पास वैक्यूम नहीं होता, दोनों चीजें सॉलिड की बनी थी, इसके अंदर थोड़ा सा वैक्यूम होता है। ये हमारे पास एक ग्लास ट्यूब होती है इस तरह की, इसके अंदर एक सरफेस और एक क्या होता है एक कैथोड और दूसरा एनोड, और ये अंदर ग्लास ट्यूब होती है अंदर से खाली, यानी कि इसके अंदर एटमोस्फेरिक प्रेशर काफी हद तक क्या होता है कम होता है। अब हम इसे कनेक्ट करते हैं किसमें, रिवर्स में फॉरवर्ड में, जिस मर्जी में कर लो। रिवर्स में करोगे तो करंट कम मिलेगा, हमारी एनर्जी ज्यादा जाया होगी, लेकिन अगर आप फॉरवर्ड में करोगे तब भी इसमें से करंट नहीं गुजरेगा। लेकिन क्या होगा, जैसे ही इधर से कौन आकर गिरेगा लाइट, तो इसमें से क्या निकलने शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, जो कि एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और सर्किट में क्या फ्लो करना शुरू कर देगा करंट। ये हमारे पास है जी फोटो सेल। अब वो कहता है ये जो आपका कैथोड है ना, ये आपकी मेटल का बना होता है और ये डिसाइड करता है कि किस तरह की लाइट को ये बिहेवियर देगा। जैसे वो कहता है आपके पास सोडियम है, सोडियम का एन ए या पोटाशियम का के, ये दोनों किसके लिए काम कर सकते हैं विजिबल, यानी कि अगर आपके पास ये कैथोड किसका बना हुआ है, सोडियम मेटल का या पोटाशियम का, तो कैथोड के ऊपर जब भी विजिबल लाइट गिरेगी, विजिबल के कितने बंदे हैं सात, तो सातों में कोई भी गिर जाए तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और ये नजर आने लग जाएगा। तो ये हमारे पास किसके लिए है, विजिबल के लिए। और हमारे पास इसी तरह सीशियम कोटेड, ओहो सीशियम कोटिंग का मतलब, कोटेड का क्या मतलब है कि कोटेड का मतलब होता है एक दूसरे उसके ऊपर क्या की हुई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसके ऊपर की हुई है, ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर पे। ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर क्या होता है, आयरन है, आयरन ये Fe है, ठीक है, फेरस, फेरिक या फेरस आई थिंक ऐसे कहते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर जंग लग जाए तो ये ऑक्सीडाइज्ड आयरन होता है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ, तो ये ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ सिल्वर है, इसके ऊपर कोटिंग की हुई है किसकी, सीशियम की, तो ये उसके लिए हो जाता है सर वो अंदर से जंग लगता है इन, हाँ जी ऊपर फिर अंदर जंग नहीं लगता रहता सिल्वर को, जंग तो हम इधर रस्टिंग कहते हैं ना, जंग क्यों लगना है, वो एक लेयर होती है, लेयर होती है ऑक्सीडाइज की, तो ये इंफ्रारेड के लिए भी काम करता है ये, मतलब कि अगर हम ये कैथोड किसका बना लेंगे इसका, तो यहां पर कौन सी लाइट आकर गिरे, इंफ्रारेड, तो हमें ये तब भी क्या आएगा नजर आएगा। अब आपने सोचा है कि ये जो आपके पास ये वाली चीज है ये कहां पर होती है, सोलर में क्यों होगी, ये होती है आपके उधर क्या कहते हैं मॉल्स में, मॉल्स में हमने देखा होता है आप दरवाजे के अंदर एंटर होने लगते हो, आप देखते हो ना इधर लाइट आ रही है इधर लाइट आ रही है, फिर भी क्या होता है दरवाजा खुल जाता है, क्योंकि आगे लॉजिकल सर्किट्स लगे होते हैं, तो असल में IR लाइट आ रही है, ये आपकी डेली लाइफ में भी यूज होती है, कभी सोचा है कहां पे, सोचा है टीवी के रिमोट में, टीवी दे कवर ले लो, टीवी दे रिमोट दे कवर ले लो, वहां पर उसके आप जो आपके मोबाइल या रिमोट होते हैं ना उसके अंदर जो आगे बल्ब भी लगी होती है वो कौन सी होती है, इंफ्रारेड, वो आप मोबाइल के कैमरे में देख सकते हो सिर्फ, तो हाँ AC के, तो वो उन सब में ये वाला लगा होता है, ठीक है, तो ये कहाँ पे लगा होता है, ये इंफ्रारेड फेंकने वाली कहाँ पे लगा होता है, मोबाइल में उसमें रिमोट में, और ये वाली चीज यानी कि ये फोटो सेल कहाँ पे उन्होंने डाला होता है, टीवी के अंदर, AC के अंदर या स्पीकर के अंदर उधर, ठीक है। और इसके अलावा आपके सिक्योरिटी सिस्टम्स में भी यूज होता है, लैंप वगैरह में, अब आपने घर के ऊपर लगाए हुए हैं, एक तरफ इधर लगाए हुए हैं ये और इधर के, अब ये सर्किट चल रहा है, रेस जा रही है और वो डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन क्या हुआ दरमियान में जैसे कोई आया चोर शोर बगे जैसा, तो क्या हुआ, डिस्कनेक्शन हुआ, लॉजिकल सेल ऑपरेट किए और अलार्म बजने लग गया, बगर अलार्म जो होते हैं चोर के। फिर हमारे पास आपके मोबाइल की फोटोग्राफी में भी यूज होता है, आजकल आपके मोबाइल के अंदर कैमरे के अंदर एक नया फंक्शन आता है प्रो वर्जन, कैमरे के अंदर आता है ना प्रो, उसमें जाओ उसमें एक ISO होता है, वो किस काम आता है, वो सर वाइटनेस बढ़ती है लाइट की इनकम और आउटगोइंग को कम ज्यादा करने के लिए लाइट को, ठीक है, उसके लिए यूज होता है वो, इवन के आपकी ये जो नाइट विजन लाइट होती हैं इनमें भी यही लगा होता है। ये क्या करता है कि रात के वक्त हमें हमारी बॉडी गर्म है, हमारी बॉडी से क्या निकल रही है, हीट रेज, वो कौन से उसमें एग्जिस्ट करती हैं,
इंफ्रारेड, वो गई फोटो सेल पे नाइट विजन के, नाइट विजन के पास फोटो सेल ने डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करके उसे सर्किट ने ट्रांसलेट किया और क्या बना के दे दिया आपको, एक इमेज। वो इमेज हाँ वो ग्रीन कलर का लाल लाल भी वो, तो वो यही होते हैं सारे, वो इनसे बनते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास मोबाइल के अंदर या कैमरों के अंदर भी यही चीज यूज होती है। कैमरे के अंदर क्या होता है जो उसे क्या कहते हैं यार, एक्सप्लोजर, एक्सप्लोजर नहीं होता कैमरों के अंदर डीएसएलआर में, एक्सप्लोजर का बटन, वो क्या होता है कि रोशनी को कितनी को इनकम और आउटकम करना, यानी कि कितनी ज्यादा आए, तो वो उससे ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल होती है तस्वीर की। तो वो भी यही करके बताते हैं कि इतनी रोशनी आ रही है तो आप यहाँ से उसकी वैल्यू को कम ज्यादा करते हो इधर से, तो करंट की वैल्यू को कम ज्यादा करने से डिस्प्ले में फोटो की वैल्यू कम ज्यादा होती है, शार्पनेस कम ज्यादा होती है। फिर आपके जो पुराने जमाने में सीडियां नहीं आती थी, वो क्या कहते थे उसे, वो जो बड़ा सारा इतना डब्बा होता था शादी की सीडी देते थे इतनी बड़ी, उसमें चलती होती थी, नहीं नहीं टेप रिकॉर्डर नहीं होता था वो, इतनी VCR, वो VCR जो होता था ना उसकी ऐसे ना आपके वो जो पुरानी फिल्मों गानों वाली टेपें नहीं होती थी उनके अंदर वैसे केसटें चलती थी, वो इतनी चौड़ी उसमें भी पट्टी होती है, उस पट्टी के ऊपर दो चीज़ें होती थी, एक वीडियो वाला ट्रैक होता था और एक ऑडियो ट्रैक होता था। अगर आप में से किसी ने सिनेमा हॉल गए और सिनेमा हॉल में बड़े बड़े जो ट्रैक्स वाली देखी हो तो उसमें बड़ी चौड़ी होती है, टॉम जेरी में देखिए वो एक इधर लगाया और इधर वो ऐसे लगा रहा होता है, वो जो चीज़ है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक ऑडियो ट्रैक होता है और एक वीडियो ट्रैक होता है, ठीक है। वीडियो ट्रैक ने तो उधर डिस्प्ले में आपके वो चलाने हैं फ्रेम्स पर सेकंड के लिहाज से वो चलती है, वो तो हमें समझ आता है। ऑडियो ट्रैक उससे कौन डिटेक्ट करता है, फोटो सेल। क्या होता है कि हमारे पास यूं इस तरह का उसने बनाया हुआ है बुक में आपकी ना, ऐसे ऐसे सेटअप बना हुआ है पूरा, ठीक है। इधर आपके पास बैटरी लगाई है पॉजिटिव नेगेटिव, इधर एक रजिस्टर लगाई है और इधर आपका चल रहा है ऑडियो ट्रैक, यानी कि ये कैसेट यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे लपेट रहे। इधर से आती है आपके पास लाइट का सोर्स, लाइट का सोर्स इससे पड़ता है, इसके अंदर ट्रैक पूरा बना होता है, वो ट्रैक आपने देखा होगा कुछ यूं करके बना होता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब वो ट्रैक जब इधर आकर पड़ता है तो इधर से लाइट की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, जहां पर ट्रैक ज्यादा हो रहा है वहां पर लाइट की वैल्यू क्या हो रही होगी कम। वो लाइट यहाँ से गुजरने के बाद कहाँ पर गिरती है, फोटो सेल पर, कैथोड पर, और कैथोड उसको क्या करता है आगे फिर ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट करने के बाद फिर आगे उस तरह के सिग्नल को एम्पलीफाई करके कारकुर के फिर आगे क्या बनती है उसकी ऑडियो बनती है, ठीक है। तो आवाज़ आती है, तो यहाँ पर भी आपका क्या यूज़ होता है, फोटो सेल। और सारी एक्सप्लेनेशन बेस्ड करती है किसके ऊपर, आइंस्टाइन के काम पर। तो वो कहता है कि वो जो हमने ग्राफ बनाया था ना, अगर वो आप मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो मिनिमम एनर्जी कौन डिटेक्ट करके बताता है, प्लैंक्स इक्वेशन इज इक्वल टू, सैटेलाइट ना होने की वजह आइंस्टाइन नहीं है, सैटेलाइट क्यों है वो न्यूटन है। सैटेलाइट कैसे चलता है, इसका बिहेवियर कैसे है, चांद कैसे चलता है, क्योंकि अगर ग्रेविटी का अगर आप क्रेडिट देना चाहते हो ना वो न्यूटन को जाता है, ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर जो वर्किंग हो रही है रेज रूस की और ये वाला काम, ये क्रेडिट देना चाहते हो ना, ये आइंस्टाइन लेगा क्रेडिट। यानी कि अगर ये दोनों बाबे ना होते ना तो आज ये उधर ही अपने सा कमर हाथ पे उस पर कमर पे रख के ना बड़ा सारा पत्थर शिकार करने जा रहा था जंगल में, और इसने वो पत्ते पहने होते अपने गिर्द मोटे ने, तो हम उधर होते, ठीक है। इसके साथ में पत्ते मिलने भी दे, अगर पीछे जाने का मौका मिले तो जाके दोनों को गोली मार के होगा, दोनों को गोली मार के, तो गोली किसने बनाई होगी, साइंस से ही बनी है। अब एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल बुक दो यार, बस करते हैं अभी, नींद आ रही है, लोरी सुनाता हूँ फिर रुक जा, बुक दे दो यार कोई, ये बाइंडेड नहीं होगी ऐसे ही, ये दे यार, ए बकवास काम कर रहे हैं। वो इतना कुछ लिखा हो बुक पे, ये तो पढ़ाई नहीं है। अच्छा वो कहता है सोडियम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, ओए लाइट की वेवलेंथ कितनी है, 300 नैनोमीटर, और हमारी रेंज कितनी है विजिबल की, 300, तो 300 कहां एग्जिस्ट करेगा, इसके साथ ही एग्जिस्ट करेगा कहीं ना कहीं, इसके परली तरफ करेगा, ठीक है। तो 400 के बाद करेगा, इसका मतलब है कि हमारी जो लाइट है वो विजिबल और अल्ट्रा वायलेट के दरमियान में है कहीं पर, ठीक है। तो ये तो 300 नैनोमीटर है, हाँ विजिबल कहाँ तक है, विजिबल 400 से तकरीबन 400-300 के दरमियान में एग्जिस्ट करती, इतनी है विजिबल ही है ये, ठीक है। उसने लिखा हुआ है इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ, द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज कितना है, फाइव उसने दिया, 2.46
ये देखो भाई ये 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस चैप्टर में या सेकेंडरी फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी का यूनिट हम यूज करेंगे। ऑल दो ऐसे ही कौन से हैं, और एक तो आपने बतानी है कि जो इलेक्ट्रॉन निकले उसकी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी कट ऑफ वेवलेंथ यानी कि लैम्डा नॉट निकालना है। कट ऑफ वेवलेंथ समझानी है, ये समझ लेना, ऊपर वाला आसान है। देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या थी, टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, यही था, ये थी एच एफ माइनस क्या आ जाएगा एच एफ नॉट। एच एफ हमारे पास क्या है, लैम्डा है, तो एफ किसके बराबर आ जाएगा, यहां से C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा बराबर एफ बराबर आ जाएगा C बाई लैम्डा, तो C बाई लैम्डा माइनस क्या आ जाएगा एच एफ नॉट, और एच एफ नॉट ऑलरेडी उसने दिया हुआ कितना है 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका जो आंसर आएगा उसमें से ये आंसर आप क्या करोगे माइनस, तो आंसर देखो भी क्या आ रहा है, यानी कि चार शारिया कुछ आता है और इसमें से दो शारिया चार से माइनस करेंगे तो आंसर एक शारिया 6-8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकला होगा उसका वर्क फंक्शन इतना था, तो बाकी किस में कन्वर्ट हो गया उसकी काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन दूसरा है कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ कौन सी होगी, कट ऑफ वेवलेंथ का मतलब ऐसे समझ लो कि जो वेवलेंथ स्टॉपिंग पोटेंशियल पर आई होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे मतलब के स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने वाव कहा था कि जहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है जीरो हो जाती है, तो इसका मतलब है कि अगर इसी इक्वेशन को लिखें तो E इज इक्वल टू क्या बन जाएगा सिर्फ 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी है ना, तो कट ऑफ का मतलब है कि जहां पर आपका क्या हो गया सिस्टम खत्म हो गया तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो, तो ये फार्मूला किसके बराबर है एच एफ इज इक्वल टू 5 उसने दिया हुआ है, F की वैल्यू क्या होगी C बाई इंटू, तो एच सी किसके बराबर आ जाएगा लैम्डा, तो लैम्डा अपने वो वाला लैम्डा जहां पर आपकी वेवलेंथ क्या हो रही है कट ऑफ हो रही है, यानी कि ये मिनिमम वेवलेंथ या वर्क फंक्शन की सेंस में आपसे पूछ रहा है। एक तो तरीका इसका ये है, दूसरा तरीका यही है कि आप इसे क्या कह दो एच एफ नॉट, क्योंकि वर्क फंक्शन किसके बराबर है एच एफ नॉट के, तो एफ नॉट किसके बराबर आ जाएगा 5 ओवर फाई है, एच कितना है 1.1, एच की वैल्यू कितनी है 6.673×10⁻³⁴ जूल सेकंड, कल तो बड़ा बोल रहा था तो ठीक है ये आ गई, लेकिन हमसे उसने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी, कट ऑफ वेवलेंथ पूछी है, तो सी इज इक्वल टू एफ नॉट लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट बराबर आ जाएगा एफ नॉट ओवर सी, तो जो यहां से जवाब है उससे कर लो, यहां तो इस तरीके से कर लो, यानी कि इधर पहले डायरेक्ट पुट करके कर लो, या पहले अलग एफ निकाल लो फिर एफ में से अलग क्या निकाल लो लैम्डा निकाल लो, तो आंसर पता नहीं कितना लिखा, 313 कितना लिखा हुआ है 505 नैनोमीटर पर आकर एनर्जी क्या हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की जीरो हो जाती है, तो बाकी सारे के सारे किस में कन्वर्ट होता है उसके वर्क फंक्शन। ठीक है चलो जी छुट्टी करो, कल टेस्ट है, हाँ जी सेकंड हाँ 505 है ना, रेंज क्या है 400 से, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो, अब ये 500 ग्रीन कह रहा होगा, ग्रीन ब्लू मिक्स है क्योंकि हमें ग्रीन रीजन है बस वही होगा। ठीक है सर जी, आज लेट हो गई।